इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ऑर्डर निकाला है कि उनकी प्री मैच्योर रिटायरमेंट का ऑर्डर निकाला है। और आपको बता दें ये जो नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं और इन पर करप्शन के चार्जेस हैं जिसके चलते प्री मैच्योर रिटायरमेंट इनकी कर दी गई है। तो नो सरकारी मुलाजिम है और क्या क्या इन पर चार्जेस लगे हैं आपको बता दें। जो फंड्स आते हैं उसको मिसयूज करने का चार्ज इन पे है और साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स इन्होंने बताए थे वो भी बताया गया बताया है कि गलत गलत तरह से जो है रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं, फॉल्स रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं और साथ ही फेक बिल्स इन्होंने बनाए हैं। और क्या कुछ इन पे आरोप है आपको बता दें कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को अलाउ करने की परमिशन इन्होंने दी है और साथ ही फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन्होंने अपने टेन्योर में की है। और जिस तरह से अब इन पर एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इनको इनकी प्री मैच्योर रिटायरमेंट का जो ऑर्डर है वो सामने आया है। और नो कौन कौन एम्प्लॉयज है फटाफट से आपको बता देते हैं। मिस्टर महराजुद्दीन गुर्जा जो सीनियर बिल्डिंग ऑफिसर हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और एज अ हेड असिस्टेंट रेवेन्यू सेक्शन श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये काम कर रहे हैं और साथ ही एक ट्रैप केस में इनको अरेस्ट भी किया था विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर ने। मिस्टर गुलाम मोहिनुद्दीन मलिक हैं उन्होंने उनकी पोस्टिंग बताया जा रहा है क्या ईओ म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग है। और मिस अप्रोप्रिएशन इरेगुलरिटीज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन ग्रॉस नेग्लिजेंस और मिस कंडक्ट में ये शामिल थे। मिस्टर शबीर अहमद वानी है और साथ ही मिस्टर शबीर अहमद वानी के साथ मिस्टर जाकिर अली सैनिटरी सुपरवाइजर एमसी डोडा, मिस्टर अब्दुल लतीफ हेड असिस्टेंट एमसी मरिहाल, मिस्टर सुकेश कुमार सीनियर असिस्टेंट एमसी डोडा है। तो अपडेट आपके कौन सा आ रहे थे कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने प्री मैच्योर रिटायर करने का फैसला लिया है जिसका ऑर्डर सामने आया है क्योंकि उनको करप्शन के चार्जेस थे, फेक बिल्स उन्होंने बनाए थे, फॉल्स रिकॉर्ड उन्होंने बनाए थे और साथ ही इलीगल अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की थी और जो फंड आते थे उसका गलत इस्तेमाल किया जाता था, मिस अप्रोप्रिएट तरह से उसे इस्तेमाल करते थे और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउ करने की परमिशन भी उनके द्वारा दी गई थी उनके टेन्योर में। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे जी।